ऐसी है जो हर बार वो लेके जाते हैं और उसको दोबारा से यहाँ पे लेते हुए, एंड ये फाइट जिसकी हम बात कर रहे थे इस बार यहाँ पे शुरू होती है, एंड इस बार टीम सोल के फेवर में जाती हुई अभी तक तो नजर आ रही है। यहाँ पे आदित्य वहाँ पे आ चुके हैं, इनके पास भी एक वेपन है मोटल अपनी डीपी के साथ, बट आदित्य उनको नॉक भी यहाँ पे कर देंगे। फिनिश भी मेरे ख्याल से निकालते हुए नजर आ सकते हैं, एंटो भी यहाँ पे आ चुके हैं, आदित्य सोल मोटल को फिनिश कर देंगे। वीएसएसटी मेरे ख्याल से इसलिए वहाँ पे नॉक नहीं निकाल पाए, अगर एक बेटर वेपन वहाँ पे होता तो शायद यहाँ पे मावी एंटो का नॉक निकाल देते ओपन में। बट आप रेगल टॉस की एचपी देखिए, जो इन्होंने अभी जंप शॉट लिया था उतनी ही एचपी जितनी इन्होंने आदित्य की छोड़ी थी अब उनकी भी हो चुकी है। मवी मेरे ख्याल से अपनी वीएसएस के साथ थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, एक और थोड़ा सा बेटर वेपन अगर मवी को मिल जाता तो वो भी वाइपर की तरह यहाँ पर अटैक जरूर से कर सकते थे, अभी भी लूट रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, जाना पड़ेगा मेरे ख्याल से अब इतनी ही लूट के साथ आगे जाना पड़ेगा। मीनवाइल आप ऑरेंज रॉक की बात करेंगे तो गिल को जीती है, दोनों ही टीम के पास एक एक फिनिश पॉइंट्स, 3v3 की फाइट, एक बार फिर से ये फाइट अब शुरू होगी। जी हाँ, अभी के लिए अगर बात की जाए टीम सोल की तरफ से, देखिए पहला नॉक उनकी तरफ से निकाला गया, बट द प्रॉब्लम इज कि उस नॉक को वो फिनिश नहीं कर पाए। वाइपर आई थिंक एक अच्छी पोजीशन में यहाँ पे आ चुके हैं, गिल को यहाँ पे दोबारा से नॉक कर दिया गया, एंड मैं देखना चाहूंगा क्या इस बार वो फिनिश जिसकी तलाश टीम सोल कर रही है उनको मिल पाती है या नहीं। आदित्य अभी भी जाएंगे मेरे ख्याल से यहाँ पे गिल को रिवाइव करने की कोशिश करेंगे, संभलना पड़ेगा वाइपर को, छोड़ आते हुए वाइपर के पास एक अच्छी पोजीशन, वैसी वहां पे सोल के वाइपर को भी नॉक कर देंगे। मावी रेगल टॉस आखिरी डायनेमिक ड्यूओ बचा है, रेगल टॉस भी नॉक हो जाएंगे, मावी पहले रेंगल की तरह आखिरी प्लेयर बचते हुए टीम सोल के, एंड वही चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है, वैक्सी जो पीछे जाते हैं, एंड हमने पहली बार नहीं देखा है, पहले भी इस पोजीशन पे आपको वैक्सी रूफटॉप का कवर देते हुए नजर आ जाते हैं। टीम सोल ने रियूंस की तरफ स्काउट जाते थे, बट वही बात है कि जो फर्स्ट हीरो, बट फर्क सिर्फ इतना कि पिछली बार मवी के पास यहाँ पर डीपी थी, इस बार वीएसएस है, तो अपने आप चले जाते हो। ओआर को यहाँ पे दो फिनिशेस मिल चुके हैं, गटका का वेस्टर्न शोर आता है तो डेफिनेटली रेड आउल और गटका की ये जो टीम है और रेकनिंग बी जोन के अंदर एक अच्छी पोजीशन ले लेती है। लाइफ ड्रॉप एलिमेंट हुई 0 फिनिश पॉइंट्स के साथ, बट मैक्सी लुक एट दैट डीपी का बस, आई थिंक वहां पे स्नैक्स को डीपी के साथ कमाल का बस देखने को मिला, नॉक इनके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता था, बट टॉप तो कोई स्पॉट कर चुके हैं। बैरल का प्री फायर यहां पर जाने वाला है, इतना आसान नहीं रहता बैरल का जो आप प्री फायर यहां पर करते हैं, क्योंकि उसका बुलेट स्प्रेड जो रहता है ना स्पीरो वो काफी ज्यादा रहने वाला होता है। मीनवाइल क्रांति कमिंग अप द ग्रेनेड, पुकार भाई को डाउन कर, यू गो हो हो, पुकार को यहां पर डाउन कर दिया जाता है, क्रांति की एचपी बहुत ज्यादा कम है, बट ये फाइट देखने में बहुत मजा आने वाला है। स्पीरो आपको क्या लगता है यहां पर आईएनडी जीतने वाली है या फिर कंसिस्टेंट स्काईलाइट्स एक बार फिर से डोमिनेट करेगी? आगे चले जाते शायद अपने ही नेट में फंसते हुए नजर आते हैं यहाँ पे उन्हीं के टीममेट्स के। एक और ग्रेनेड यहाँ पर आ जाता है, बिल्कुल जैसा आपने बताया कि अपने ग्रेनेड में फंस सकते हैं टीम आईएनडी के। क्रांति आज रुकने का नाम नहीं ले रहे, अब कभी ग्रेनेड्स कभी गन पावर, निकाला यहाँ पर एक पहला फिनिश पॉइंट अपनी टीम के लिए। सामने मेरे फेवरेट दी अंडररेटेड स्टार गमला बॉय है, बट आज क्रांति की जो यहाँ पर गन फायर हमें देखने को मिल रही है, मुश्किल रहेगा इनके सामने खड़े रहना। आज स्मोक के अंदर बेहतर पी पास यहाँ पर होते हुए टीम तमिलाज, एक और ग्रेनेड, टॉप डॉग लास्ट मैन स्टैंडिंग इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिल्कुल अकेले वहां पर बचे हुए हैं, और ये डिसाइडर 1v1 की फाइट हो सकती है। काफी कॉन्फिडेंटली टॉप डॉग आ रहे हैं, सॉफ्ट कवर रहेगा ब्लैक के पास, हाथ में स्कारल, 1v1 की फाइट, ए फायर दे जिगल, कवर का इस्तेमाल बहुत अच्छा इस्तेमाल यहां पर करते हुए 5 फिनिश पॉइंट जाएंगे रेवेनेट ब्लैक के पास, और कितनी आसानी से मैं कहूंगा यहां पर रेवेनेट की टीम को डाउन कर दिया, बहुत सिंपल, बहुत सॉर्टेड और ऑन पॉइंट यहां पर पी पास जाते हुए। बिल्कुल एसजी के डोनक ने भी यहाँ पे दलजीत की फिनिश निकाली, क्रांति अब मेरे ख्याल से आखिरी प्लेयर बचे हैं, क्या उनकी क्रांति कंटिन्यू होगी? जी नहीं, टीम आईएनटी को एलिमिनेट करती हुई नजर आएगी आपको स्काईलाइट्स गेमिंग की टीम, थर्ड मैच में चिकन इन क्लेम कर पाएगी स्काईलाइट्स की टीम, थोड़ा मुश्किल है, दो साइड एक्चुअली तीन साइड से यहाँ पे टीम ग्लोबल स्पोर्ट्स ने काफी ज्यादा दबाव बना रखा है, एंड जिस चीज की मैं यहाँ पे बात कर रहा था जीतना काफी मुश्किल, आइकोनिक का जो एंगल था वो उनका फायदा यहाँ पे फेंकना चाहेंगे, आइकोनिक का ब्रश कर रहे हैं, मेरे ख्याल से यही समय है टीम ब्लाइंड को थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ेगा कि अपने आपको कैसे बचाए। फियर्स जिनकी मैं बात कर रहा था कि नेड आने वाला है और मैं देखता हूँ ये नेड क्या मैच कर पाएगा, यानी ये देखने वाली बात होगी। आई थिंक इन्होंने एक अच्छा ट्रैप बनाया है स्पीरो, सामने से फियर्स, पीछे से सांगवान, आइकॉनिक एक और नॉक निकाल देते हैं, सांगवान ने जो ग्रेनेड मांगा था उसको सही तरीके से यूटिलाइज करके दिखाया, इवो को इतना डैमेज दे दिया, सांगवान रिटेलिएशन में नॉक हो गए, बट डजंट मैटर बिकॉज ब्लाइंड के पास मुझे उतनी ज्यादा नंबर एडवांटेज अब दिख नहीं रही है। सांगवान को अगर आप रिवाइव देने का टाइम देते हैं तो शायद ये थोड़ा सा क्रूशियल हो सकता है, बिकॉज विलियम्स ने जो लोटस का ग्रेनेड कुक कर दिया, अगर ये गेट के बाहर जाता तो स्क्वाड बी टू क्रूशियल टू बी ट्रू, यहां पर दो से ज्यादा प्लेयर्स उस ग्रेनेड से नॉक हो सकते हैं, बट बार बार बचे या नहीं बोलेगी देखने वाली चीज है। पैनिक रूम के अंदर एक ग्रेनेड सबसे ज्यादा प्रेडिक्टेबल एरिया रहता है इस वीरो इस कंपाउंड के अंदर, आइकॉनिक के पास क्लोज रेंज का एक लीथल वेपन उजी माइक्रो उजी, काफी अच्छा फायर रेट अग्रेशन के साथ आगे जा रहे हैं, एकेएम रहेगी फियर्स के हाथ में, ये क्योटिक बन चुकी है फाइट। आई थिंक ग्लोबल ईस्पोर्ट्स की टीम अपने लिए चार फिनिश पॉइंट्स जो खोज रही है सिर्फ एक मंजिल दूर है, सिर्फ एक फ्लोर ऊपर जाना है और कुछ अच्छे फिनिश पॉइंट्स मिल सकते हैं, बट नहीं, यहां पर ब्लाइंड के विलियम्स आ जाते हैं, सांगवान को कर देते हैं नॉक, एक के बदले दो दो प्लेयर्स हो जाते हैं नॉक, फियर्स के ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है इस वीरो, ये इतना आसान नहीं होने वाला है, ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स को जल्दी से जल्दी पिकअप करना पड़ सकता है यहां पर। स्पॉट किया फियर्स, रीलोड आ गया, माय गॉड व्हाट इज हैपनिंग, फियर्स गोस डाउन एज़ वेल, टार्मी की नाक हाथ की फाइट यहां पर निकल कर चली गई, ब्लाइंड की टीम कमिंग बैक इनटू एन एक्शन, एंड ग्लोबली स्पोर्ट्स को ओनली इन द मैच यहां पर डाउन कर दिया जाता है।
दिस इज इम्पॉसिबल, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड देयर। आई मीन क्लियरली वहां पे ग्लोबल एक्सपोज के पास एडवांटेज था, वो नेड्स के साथ काफी ज्यादा डैमेज दे सकते थे। बिल्कुल, मिड रेंज के अंदर आपको एक ऐसा वेपन मिल जाए जिसका रिकॉइल कम हो, और ये लीजिए इंस्टेंट रीप्ले, फियर्स यहां पर जाते हैं। अगर आप ब्लाइंड के प्लेयर्स की बात करें तो नंबर एडवांटेज इनकी भी कोई बहुत ज्यादा नहीं थी, दो प्लेयर्स इनके भी नॉक थे। फियर्स ने आई थिंक वेस्टर्न साइड का जो आया था ना एक्शन उसे इग्नोर करा, और ये देखिए ब्लाइंड की टीम तो नहीं रुक रही, इन्होंने आई थिंक ऑरेंज रॉक का भी एक प्लेयर नॉकआउट कर दिया। उधर से रेड ऑल के 420 ओपी ओजी को यश को डाउन कर देते हैं। तीसरे मैच जाती हुई 20 सेकंड का समय, जोन में जाना है, प्लेयर को बचाने का तो कोई ऑप्शन नहीं है, जोन में जाते जाते भी थोड़ी सी मुश्किलें होगी। आई डोंट थिंक इट्स इजी टू गेट इनटू द जोन, बट यहां पे ब्लाइंड एक बार जो कॉन्फिडेंस आया फिर मोमेंटम के साथ आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। उनको एक और मेरे ख्याल से यहां पे फाइट ले ली है टीम ब्लाइंड ने गया है, और जल्दी से जल्दी रेड आउल को चाहिए एक अच्छा स्पॉट। आप इतनी ज्यादा जोन की फाइट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, एवी के ऊपर यहां पर अटैक आता है, गार्ड इसे इग्नोर करने के बाद यहां पर डैमेज दिया जाता है। निकमा के सीटी मिड रेंज के अंदर 4x का इस्तेमाल करते हुए डैमेज देने की कोशिश जरूर करते हुए जोन के बाहर मिड रेंज, और ये लीजिए हो जाते हैं निकमा के प्लेयर्स भी डाउन। रेड आउल की टीम एक बार फिर से कॉर्नर्स का स्पॉट डिफेंड कर जाती है, और फिनिश पॉइंट्स भी मिल रहे हैं इस बार तो इनको मिल चुकी है। वहीं अगर यहां पे बात की जाए बाकी टीम्स की, ये यही क्लस्टर की मैं बात कर रहा था, टीम कमिंग सून, इनको जोन में जाना एलिमेंट के साथ वो तो इनको मिल चुके हैं। अब इससे ज्यादा जो भी पॉइंट्स लेंगे बोनस पॉइंट्स होने वाले हैं टीम तबलास के लिए, क्योंकि यार एक मैच में 10 पॉइंट की एवरेज अगर आप चला के चलते हो ना, वो बहुत अच्छी एवरेज है, आई हैव टू से काफी अच्छी एवरेज है वो। बिल्कुल एवरेज तो यहाँ पर टीम निकाल ही रही है, पॉइंट्स टेबल को तो नजर में रखना ही पड़ेगा। बहुत अच्छी फाइट हमें देखने को मिल गई, अभी 18 प्लेयर्स यहाँ पर अलाइव है, 7 टीमें बची हुई हैं, बट रेकनिंग को गेट कीप कर रही है टीम। ऐसा होता है जब छठा जोन यहाँ पे खत्म होने हुआ है ना, बहुत सारे प्लेयर्स बहुत सारी टीम जोन के बाहर होती है, और उनके में से कुछ ना कुछ प्लेयर्स खत्म होते नजर आते हैं आपको जोन से। ओ, ब्लाइंड की टीम का आज शो जो है यहाँ पर वाह कमाल देखने को मिलता है, साथ ही ऑरेंज रॉक इनको बहुत अच्छे तरीके से असिस्ट कर रही है। जोन के कॉर्नर पर है वैसे अभी ऑरेंज रॉक की टीम, मैं देखना ये चाहूंगा कि इतने इंटेंस सिनेरियो में जहां से एंट्री पॉइंट कहीं भी क्लियर नजर नहीं आ रहा, ऑरेंज रॉक की टीम जोन के अंदर एंट्री कैसे लेती है। बहुत से हमारे यहाँ पर व्यूअर्स भी रहते हैं जो शायद खेलते भी हैं, जो खुद भी यहाँ पर ग्राइंड करते हैं, तो गाइज ना सिर्फ स्ट्रीम्स को देखें, आप अपनी फेवरेट टीम्स को सपोर्ट करें, आप बहुत कुछ यहाँ से सीख भी सकते हैं। आप ध्यान से देखिए ऑरेंज रॉक की टीम को, बिल्कुल जोन के बाहर है, और एंट्री देखें कितने क्लियर विजन के साथ यहां पर ले रहे हैं। वेस्टर्न एरिया होल्ड नहीं कर रहे थे, बावजूद उसके बाद नॉर्दर्न वेस्टर्न एरिया का एरिया होल्ड करते हुए अपनी एंट्री लेकर जाते हैं, और ब्लाइंड के साथ का स्लैम इन यहां पर डाल दिया जाता है। स्पीरो ब्लाइंड एक बार फिर से, अब बारी आ जाती है ऑरेंज रॉक के साथ। मुझे तो आपसे एक कॉल चाहिए कि ब्लाइंड या ओआर। ये बहुत मुश्किल रहेगा मेरे ख्याल से, मैं ये कॉल जनता पे छोड़ना चाहूंगा। 27,000 मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 28,000 पीपल आर वाचिंग राइट नाउ, 50,000 लाइक्स अगर यहाँ पे कॉल हमारा है जो हो जाता है, दैट वुड बी जस्ट ऑसम। मीनवाइल अगर बात की जाए टीम ब्लाइंड एक प्लेयर दबा चुकी है, एक प्लेयर यहाँ पे नॉक पड़ा है, टीम ऑरेंज रॉक यार ये ऐसी टीम में देखिए शुरुआत में फाइट ली, उसके बाद हमें यहाँ पे देखने को मिली नहीं, और सडनली अब फाइनल सर्कल आता है, 4 टीमें बचती है, एक टीम ऑरेंज रॉक की होती है। ये जो मैजिक है ना ऑरेंज रॉक का, ये बहुत समय से चलता आ रहा है, भले ही लाइनअप थोड़ी चेंज हुई है बट ये मैजिक नहीं रुका है माया अभी बिल्कुल भी। वो बिल्कुल नाम ही ऑरेंज रॉक का कुछ इस कदर है कि ये टीम बनी ही जीतने के लिए है। सामने यहाँ पर ब्लाइंड की टीम मिल जाती है, स्मोक के बीच में से ब्लाइंड के ऊपर ब्लाइंड शॉट्स जा रहे हैं जो कि कनेक्शंस भी ढूंढ लेते हैं। ओके, तो वैक्सी को यहाँ पर अभी के लिए डाउन कर दिया जाता है, बट ब्लाइंड के विलियम्स अच्छे प्रोन शॉट्स दे रहे हैं। अब जब कोहरा खट गया तो मेरे ख्याल से यहाँ पर खतरा भी आने वाला है, कोहरा और खतरा दोनों ही यहाँ पर ब्लाइंड के लिए बढ़ता हुआ नजर आया। टॉप टू के अंदर जगह सिक्योर कर ली है, सिर्फ एक आखिरी खिलाड़ी बचा है जो ऑरेंज रॉक के और चिकन डिनर के बीच में रुकने वाला है। 1v3 वैसे मुमकिन है, ऐसा नहीं है कि हमने ऐसे एंड गेम्स में 1v3 करते हुए देखा नहीं है, बट मेरे ख्याल से उतना अच्छा जोन का एडवांटेज नहीं है उस आखिरी बचे खिलाड़ी पर। लेकिन देखिए कौन है आखिरी बचा खिलाड़ी, 8-bit ओमेगा, वो फिर से आ गए यार फाइनल सर्कल में, एंड ये तो अलग ही लेवल का प्लेयर बनता जा रहा है। बिल्कुल, ये आईजीएली कोशिश कदर के हैं, ओमेगा की अगर आप बात करें तो यहाँ पर कोशिश पूरी करेंगे, बट जो बात आपने मुझसे पूछी थी स्पीरो मैच से पहले कि कौन सी वो टीम हो सकती है, 8-bit का नाम मेरी तरफ से आया था, चलो फर्स्ट नहीं आए सेकंड जरूर से आ गए, बट ऑरेंज रॉक की आप डोमिनेशन देखे, 12 फिनिशेस के साथ एक बेहतरीन विनर विनर चिकन डिनर क्लेम करके जाते हैं। आई थिंक डोमिनेशन यहाँ पर ऑरेंज रॉक की टीम से जो हमें देखने को मिल रही है वाह कमाल।